हुए ये कविता भारतीय फौजी को समर्पित करता हूं कि आरोप बड़ा संगीन था, कोर्ट का माहौल रंगीन था। आरोप बड़ा संगीन था, कोर्ट का माहौल रंगीन था। अभी कुछ हौसला बचा पड़ा था, कटघरे में एक फौजी खड़ा था। इतने में एक वकील तिलमिलाया, कुछ सवालों के साथ सामने आया, तेरी हिम्मत कैसे हुई कश्मीर में गोली चलाने की, नन्हे मुन्ने पत्थरबाजों को मार गिराने की। तुझे पता है तूने कितना बड़ा जुर्म किया है, कानून तोड़कर आफत को मोल लिया है। वकील का एक एक बोल डस रहा था, फिर भी फौजी धीरे धीरे हंस रहा था। इतने में एक बोला, अपनी सफाई में कुछ कहना है या फिर अब पूरी जिंदगी जेल में रहना है। सबकी आंखों के सामने अंधेरा गुप था, पर निडरता के साथ फौजी अभी भी चुप था। फिर धीरे से बोला, साहब जी सुनिएगा, फिर आप ही फैसला चुनिएगा। मैं अनपढ़ गवार ठेठ हूं, अपने मां बाप की इकलौती भेंट हूं। मैंने बस फर्ज निभाया है, अपने और साथियों की जान को बचाया है। ऑब्जेक्शन मिलोर्ड, अब हम ऊपर क्या जवाब देंगे, इसके मारे हुए बंदों का क्या हिसाब देंगे। ठीक होता ना अपनी हदों को पार करता, अरे फौजी कम से कम हेडक्वार्टर के ऑर्डर का इंतजार करता। क्यों मुझे अपनी यादों से भर रहे हो, आप किस हेडक्वार्टर की बात कर रहे हो। वही जो राजनीति के चमचे हैं, बड़े बड़े नेताओं के गमछे हैं। ऑर्डर के ऊपर आतंकवादियों से डरते डरते बचा हूं मैं, बॉर्डर के ऊपर आतंकवादियों से डरते डरते बचा हूं। साहब आपके हेडक्वार्टर की वजह से मैं कई बार मरते मरते बचा हूं। कायर से कायर भी हमारे सामने आकर अड़ता है और हमें एक ऑर्डर का इंतजार में बैठना पड़ता है। इस ऑर्डर के चक्कर में रोज कितने दोस्तों को खोता हूं। एक फौजी हूं साहब, फिर भी आपकी वजह से कई बार रोता हूं, क्योंकि कंधे बंदूक है पर चला नहीं सकता। भारत माँ के लिए सही मगर दुश्मन हिला नहीं सकता। ओके ओके ओके, बस हमें उस दिन के बारे में बता, जो जो कश्मीर में घटित हुआ हर उस बात से पर्दा हटा। अब कटघरे में सीना तान के अड़ा था फौजी, कटघरे में सीना तान के अड़ा था, कोर्ट रूम में एकदम सीधा खड़ा था। फिर बोला, साहब जी उस दिन की बात थी, अंधेरी घनी रात, हम गाड़ी में दोस्तों के साथ आ रहे थे, करके ड्यूटी पूरी अपने कैंप की तरफ जा रहे थे। अचानक हमारी गाड़ी पर आकर पत्थर गिरा, मेरा ध्यान पीछे की तरफ फिरा, भारत माता मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए सैकड़ों युवा दिखे, हाथ में पत्थर और बंदूक लेकर आते हुए। हमने पूरा जोर लगाया, गाड़ी को भगाया, मगर हम चारों तरफ से घिर चुके थे, अपने देश के लोकतंत्र से भिड़ चुके थे। हमारी गाड़ी का शीशा टूट चुका था, एक दो साथियों का सिर साहब जी फूट चुका था, और हम पत्थरों के बीच घिर रहे थे। उस वक्त हम ऑर्डर का इंतजार कर रहे थे। जवाब में हमें यह सुनने को मिला, सुनकर हमारा कलेजा हिला, कि आपने एक भी गोली नहीं चलानी है, किसी पत्थरबाज को चोट नहीं पहुंचानी है, एक जगह मत खड़ो, जैसे तैसे वहां से निकल पड़ो। हमारे देश को देशद्रोही नहीं हेडक्वार्टर खा रहा था, और हमें पत्थरबाजों पर नहीं साहब, उस वक्त ऑर्डर देने वालों पर गुस्सा आ रहा था। इतने में शीशा चीरती हुई हमारे सामने से निकल पड़ी और हमारी गाड़ी पर अंधाधुंध गोली चलने लगी। एक ने रमेश के सिर का कुछ हिस्सा झाड़ दिया, एक छर्रे ने रमेश के सिर का कुछ हिस्सा झाड़ दिया, और एक गोली ने बलराज का कंधा पाड़ दिया। फिर एकदम मेरा खून खोला, मैं सबसे बोला, जान बचानी है तो बंदूक उठाओ, देशद्रोहियों को इनकी नानी याद दिलाओ, गोली लगी हुई थी, मर रहे थे, फिर भी एक दो साथी हमारे में से डर रहे थे। एक ने जैसे तैसे हामी भरी, हमने जवाबी फायरिंग शुरू करी, एक के बाद एक, जब तीन को टपकाया, फिर भीड़ का टोला हमें आसपास नजर नहीं आया। हमें पता था शायद हमारी नौकरी छीनी जाए, कुछ कुछ सजा शायद हमारे हिस्से आए, मगर हमने अपनी जान बचानी थी। इस रक्षाबंधन पर बहन से राखी जो बंधवानी थी, हमने अपनी जान बचानी थी, रक्षाबंधन पर बहन से राखी बंधवानी थी। बेटा सही है या नहीं सोचकर हर वक्त डरती है, साहब हमारी माँ भी दहलीज में बैठी हमारा इंतजार करती है, हल से धरती चीर कर पेट भरता है, मेरा बूढ़ा बाप आज भी कर्ज उतारने के लिए मजदूरी करता है। हम उन बूढ़े माँ बाप की जान है अपने घर में साहब, हम इकलौती संतान है। इतने में वकील फटाक से उठ खड़ा, एकदम फौजी की तरफ बढ़ा,
आपके माँ बाप से कोई लेना देना नहीं, बस आपने कानून तोड़ा है, आला अधिकारियों और हेडक्वार्टर के ऑर्डर को मोड़ा है। अब कयामत की शाम ढलने लगी, जज की कलम चलने लगी। आपकी मनमानी की वजह से कितने शरीफ मरते हैं, ऑर्डर का उल्लंघन करने पर फौजी हम आपको बर्खास्त करते हैं, हम आपको बर्खास्त करते हैं, 20,000 का जुर्माना भी देना है, क्या आपको अपनी सफाई में कुछ कहना है? इस वर्दी के लिए न जाने कितने दुखड़े सहे थे, उस फौजी की आंखों से अब आंसू टपक रहे थे। अपनी बेल्ट और कैप उतारकर कोर्ट रूम से निकल पड़ा, चुपचाप सबको हाथ जोड़ता हुआ फौजी चल पड़ा। पत्थरबाजों का सपना फिर से साकार हुआ था, आज राजनीति के हाथों फौज का बलात्कार हुआ था। मैं कई बार बैठकर सोचता हूँ, अपने जहन में उठे सवालों को नोचता हूँ। हमारे नेता पत्थरबाजों के केस वापिस ले रहे हैं और मरने वाले परिवारों को मुआवजा दे रहे हैं, बेशरम बेहया कमीनी और हरामी बीज है। सच कहता हूँ दोस्तों, ये राजनीति बड़ी कुत्ती चीज है। जो एक फौजी तपती धूप और बर्फ में डटकर रक्षा करते हैं, फिर एक ऑर्डर के इंतजार में बेमौत मरते हैं, उनकी मौत पर भी ये कुत्ते राजनीति खेलते हैं, तरह तरह के भाषण जनता के बीच पेलते हैं। हाँ जी कहना सीख ले फौजी, अब तू बस चुपचाप रहना सीख ले। और संजीत हर रिश्ते का कत्ल करते हिजड़ों से गंदी जात है, कि संजीत हर रिश्ते का कत्ल करते हिजड़ों से गंदी जात है। वोटों के लिए अपनी माँ बहन को बेच दे तो फौजी तेरी क्या औकात है, तेरी क्या औकात है, तेरी क्या औकात है।